गुड मॉर्निंग छोटे बच्चों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स के बारे में। अभी हम इसके वर्ड मीनिंग्स, हार्ड वर्ड और एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। हमने गुड मैनर्स में अच्छे से बात करना सीखा था, सबकी रिस्पेक्ट करना सीखा था, दूसरों की हेल्प करना सीखा था। हमने सीखा था कि प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी और सॉरी, ये बड़े मैजिक वर्ड्स होते हैं। और गुड हैबिट्स में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी जो कि आपको बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि उनको करना कोई कठिन होता है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, हेल्प अदर्स और कीप योर सेल्फ नीट एंड क्लीन, योर बिलोंगिंग्स नीट एंड क्लीन, ईट हेल्दी फूड, डोंट ईट जंक फूड, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द ईटिंग फूड। और हमने सीखा था कि टेक योर बाथ डेली, ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। ये सब छोटी छोटी बातें और आप बन जाओगे एक बहुत ही अच्छे बच्चे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने सीखी एंड आई होप कि आपने अच्छे से रीड किया होगा इस चैप्टर को। अब मैं आपको लिखवाती हूँ इसके हार्ड वर्ड्स। ठीक है, तो हम हार्ड वर्ड्स लिख लेते हैं फटाफट। चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे हार्ड वर्ड्स। कोई भी बच्चा हर पेज पे पूरा चैप्टर का नाम नहीं लिखेगा, बस एक बार चैप्टर 8 गुड मैनर्स एंड हैबिट्स, फिर आप नीचे करोगे और यहाँ पर डेट डालोगे, डेट जो भी जिस डेट पर आप काम कर रहे हो, और यहाँ पर हार्ड वर्ड्स। तो फर्स्ट इज गुड मैनर्स। गुड मैनर्स, ठीक है, GOOD, गुड, MANNERS, मैनर्स। ठीक है, फिर हम लिखेंगे हैबिट्स, या हैबिट कर दो, HABIT, हैबिट। फिर हम लिखेंगे, अच्छा गुड है मैनर्स, क्या गुड और बैड दोनों तरीके के मैनर्स हो सकते हैं, तो हम इसको सिर्फ मैनर्स भी लिख सकते हैं। MANNERS और HABITS, हैबिट्स। ठीक है, थर्ड इज इम्पॉर्टेंट। IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट। फोर्थ, ग्रीट, पहले लिख लो SNEEZE, स्नीज। फिफ्थ लिखेंगे हम GREET, ग्रीट। ठीक, सिक्स्थ लिखेंगे WAKE, वेक, UP, अप, वेक अप। फिर हम लिख सकते हैं OURSELF, सेल्फ, अवर सेल्फ। फिर हम लिखेंगे BELONGINGS, बिलोंगिंग्स। SELVES था यहाँ पे, अवर सेल्फ। फिर नाइन्थ हम लिख सकते हैं CHEW, च्यू। और टेंथ हम लिख सकते हैं ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस। गेटिंग, इनको लिख लो फटाफट। These are the hard word: manners, habits, important, sneeze, greet, wake up, ourselves, belongings, chew and twice. ठीक है, चलिए अब हम word meaning लिख लेते हैं।
तो ये है आपके वर्ड्स। ठीक, और यहां मैं लिख देती हूं इनके मीनिंग्स। कुछ बच्चों ने टेस्ट कॉपीज में सिर्फ हिंदी में मीनिंग्स लिख दिए हैं, ये तो गलत बात है, क्योंकि आपको जब मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखवाए तो आपको दोनों में लिखने चाहिए थे ना, इंग्लिश में और हिंदी में, तो फिर मार्क्स कटेंगे उसमें सबके, ठीक है ना। उसमें चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, आपको पता होना चाहिए जो मैडम ने कराया वो आपको करना चाहिए था, आपने इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा। कुछ बच्चों ने सिर्फ इंग्लिश में लिख दिए हैं और कुछ बच्चों ने दोनों में लिखे हैं, तो जिन्होंने दोनों में लिखे हैं उनको ही फुल मार्क्स मिलेंगे। कुछ कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल सही लिखा है लेकिन बिल्कुल सिर्फ हिंदी में लिख दिया है, तो आधे मार्क्स तो गए ना, जबकि आपको आता था इंग्लिश में भी। ऐसे आगे मत करना, ठीक है। मैनर्स, मैनर्स का मतलब क्या होता है, एटिकेट या डिसेंसी। तो इसका सही मीनिंग जो होता है वो होता है ई टी आई क्यू यू ई डबल टी ई। ठीक, फिर लिखेंगे हैबिट। हैबिट का मतलब होता है प्रैक्टिस, पी आर ए सी टी आई सी ई एस, प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस को हम हिंदी में और क्या बोल सकते हैं, आदत, या हम इसको सिंगुलर कर देते हैं, ठीक है ना। हैबिट मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब आदत, और मैनर्स एटिकेट्स, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है ई डबल एस ई एन टी आई ए एल, एसेंशियल। एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक या फिर ज़रूरी, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको आवश्यक। स्नीज, स्नीज का मतलब होता है छींकना, इसको आप हार्ड वर्ड में ही लिख लेना। फिर मैं आपको लिखवा देती हूँ वेकअप, डब्ल्यू ए के ई यू पी, वेकअप। वेकअप का मतलब होता है गेट अप, जी ई टी यू पी, गेट अप मीन्स होता है जागना, ठीक है। ग्रीट, ग्रीट का मतलब क्या होता है, एच ए आई एल, हेल, या हम इसको, चलो ठीक है, इसको हम कह सकते हैं अभिवादन। किसी को नमस्ते करना, किसी को सत श्री अकाल बोलना, ये सब ग्रीट करने में आता है, ठीक है। तो लिखो इसको, इतना लिखो, लिख लिया सब बच्चों ने। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ लिखना भूल गई ना, ये एटिकेट्स, एटिकेट्स को भी हम क्या कह सकते हैं, आदतें, क्योंकि गुड मैनर्स भी क्या कहलाते हैं, अच्छी आदतें, ठीक है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, आदतें, ठीक। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसके बाद
अब आपने 5 तक लिख लिए थे ना, अब बच्चा कोई भी ये वापस नहीं लिखेगा कि ऐसे ये पूरा चैप्टर वैप्टर लिख रहा है, इसीलिए मैं सब मिटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है ना। अब आप बस उसके नीचे डायरेक्ट लिखते चले जाओगे। अभी हमने 5 वर्ड मीनिंग्स लिख लिए, पहले हार्ड वर्ड्स लिखे थे, उसके नीचे से ही आपको कंटिन्यू करके वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। अभी वर्ड मीनिंग ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करना शुरू कर देना। और कोई बच्चा बार 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 पन्ना चेंज मत किया करो, क्यों इतने पेज वेस्ट करते हो आप, ठीक है। तो अब हम वापस क्या लिखेंगे, 6th कौन सा लिख रहे थे हम, 6th हम लिख सकते हैं बिलोंगिंग्स, BELONGINGS, बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स को हम क्या बोलते हैं, गुड्स, GOODS, सामान, ठीक। नेक्स्ट है टाइडी, TIDY, टाइडी मतलब होता है नीट, नीट मीन्स साफ, ठीक है। 8th इज च्यू, CHEW, च्यू, च्यू मतलब होता है mastication, चबाना, आप जब खाने को चबाते हो उसको कहते हैं च्यू, मैस्टिकेट करना। और 9th इज TWICE, ट्वाइस, ट्वाइस को हम क्या कह सकते हैं, टू टाइम्स, TW और टू टाइम्स, दो बार, हमें दो बार दिन में ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, मतलब डिनर के बाद, ठीक है। और एक और हम लिखते हैं ट्रिम, TRIM, ट्रिम, ट्रिम का मतलब होता है, ट्रिम का मतलब होता है कट करना, ठीक है। CUT, कट, कट मीन्स काटना, हमें हर वीक में एक बार अपने नाखून जरूर काटने चाहिए, क्योंकि एक वीक में नाखून बढ़ जाते हैं आराम से, ठीक है। लिख लो फटाफट इसको। सो दीज आर योर वर्ड एंड मीनिंग्स। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवाऊंगी, अभी इसको पूरा करना काम को, चैप्टर का नंबर, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम गुड मैनर्स एंड हैबिट्स, उसके बाद हम लिखेंगे हार्ड वर्ड्स, उसके आगे हम लिखेंगे वर्ड मीनिंग्स। बार 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 पेज नहीं बदलोगे, ठीक है। जहाँ ख़त्म होंगे हार्ड वर्ड उसके नीचे एक लाइन खींच के उसके नीचे से ही वर्ड मीनिंग्स लिखना, गेटिंग। अब अपन आप कल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स, ठीक। तो तब तक के लिए इस काम को कंप्लीट करके रखो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।